मार्था फोर दिया क्या मार के ढेला मार के एम्प्टी हट मतलब खाली हट खाली एम्प्टी मतलब क्या होता है खाली खाली हट में परेशानी है बाकी सब ठीक है डॉक्टर साहब। कृष्ण जी से अच्छा तो लव के बारे में प्यार के बारे में कोई बता ही नहीं सकता। हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट। आज के क्लास में आप लोग देखेंगे प्रोज और राइटर फिर पोएट्री फिर उसके बाद भी और चैप्टर होंगे जिनके राइटर के नाम ट्रिक के साथ में देखेंगे जिनसे आप याद कर सकते हैं ठीक है आसानी से इजी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है द पेस फॉर लिविंग। इनके राइटर हैं आरसी हचिंसन। तो इसको हम कैसे याद करेंगे ध्यान दीजिएगा हंसी भी आएगा। जैसे देखिए पेस मतलब होता है पेस मतलब रफ्तार होता है। पेस मतलब क्या होता है रफ्तार। रफ्तार कह सकते हैं गति कह सकते हैं। गति होगा तो यानी कोई जाना होगा जाएगा तो गति होगा ठीक है तो उसको जाना समझ सकते हैं गति समझ सकते हैं। कहीं रेस हो रहा है तो रफ्तार में गति कर रहा है जा रहा है तो कहेगा हटसन जाय दसन। हटसन जाय दसन हटसन जाय दसन मतलब हटसन हटिसन ठीक है आरसी हटिसन। तो इनके लेखक हो जाएंगे आरसी हटिसन द पेस फॉर लिविंग के ठीक है। आगे है मी एंड द एक्लोजी बीट। इनके है जॉन लेक्स्यू। जॉन लेक्स्यू कहेगा आप कोई पत्नी है एकोलोजी एकोलोजी जान एकोलोजी जान कोई कुछ चीज दे रही है एकोलोजी जान एकोलोजी तो जान एकोलोजी एकोलोजी जान। कीवर्ड पर ध्यान देना है कीवर्ड जो कीवर्ड है उस पर ध्यान देना एकोलोजी जान इससे आप एकोलोजी जान ठीक है। गिल्लू गिल्लू अपने आप को कहता था कि मैं महादेव का भक्त हूँ। गिल्लू एक मोटा लड़का है जो कहता है कि मैं महादेव का भक्त हूँ तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। देखिए इंडियन फिल्म्स में हमेशा अधिक से अधिक इंडियन फिल्म्स में होता है अंत में सत्य की जीत होती है या कोई भी फिल्म है इंडियन फिल्म्स हो या साउथ ही साउथ में वो भी तो इंडियन ही है तो अंत में सत्य की जीत होती है। तो फिल्म में सत्य की जीत होती है फिल्म्स में इंडियन फिल्म्स में सत्य की जीत होती है तो सत्यजीत राय ठीक है सत्यजीत राय जो इनका राइटर हो जाएंगे। एक्सेप्टेंट स्पीच 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 मतलब क्या होता है भाषण। स्पीच मतलब होता है भाषण इसका मतलब होता है भाषण। तो कोई भाषण दे रहा है स्पीच दे रहा है तो मेरा दोस्त कह रहा है मैं भी साथ में था यार रवि ये क्या भाषण दे रहा है यांग संग सुई कुई कर रहा है ठीक है यांग संग सुई कुई कुछ स्पीच समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है यांग संग सुई कुई ठीक है। तो इसके जो स्पीच स्पीच कीवर्ड से आप पकड़ सकते हैं कीवर्ड से स्पीच से यांग संग सुई कुई इनके राइटर हैं एक्सेप्टेंस स्पीच के राइटर हो जाएंगे यांग संग सुई कुई ठीक है। आगे देखिए वन अपॉन ए टाइम टोनी मोरोजम। टोनी एक लड़का है टोनी टोनी क्या है एक लड़का है वह कहता है अपुन एक टाइम उठता है अपुन एक टाइम अपुन ए टाइम अपुन एक टाइम उठता है। टोनी कहता है अपुन एक टाइम उठता है अपुन एक टाइम उठता है ठीक है अपुन एक ही टाइम उठता है टोनी कहता है। तो वन अपॉन ए टाइम के राइटर हो जाएंगे टोनी मोरिसन। चलिए आगे देखिए द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर अब यहां पर देखिए भारतीय सभ्यता की बात हो रहा है। हुमायूं कबीर इनके राइटर हैं तो हम इसको कहते हैं कि हम कब
इसको हम लिख सकते हैं, जैसे ऐसे लिख सकते हैं, इट हम कब इंडियन थे, कोई है कह रहा है कि हम कब इंडियन थे, ये इतना याद रखना है आपको ट्रिक, हम कब इंडियन थे, हम कब इंडियन थे, हम कब इंडियन थे, ठीक है। तो यहां से आप याद कर सकते हम कब इंडियन थे, तो इनके लेखक हो जाएंगे द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के हुमायूं कबीर। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, इनके राइटर है लियो टॉल्स्टॉय। देखिए टॉल्स्टॉय कीवर्ड पर ध्यान दीजिए, टॉय, टॉय मतलब क्या होता है, खिलौना, टॉय मतलब होता है खिलौना, और लिटिल मतलब होता है छोटा गर्ल, यानी छोटी लड़की, छोटी लड़की क्या मांग रही है, खिलौना, छोटी लड़की खिलौना मांग रही है, तो इसलिए इसके राइटर हो जाएंगे लियो टॉल्स्टॉय। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन के राइटर हो जाएंगे लियो टॉल्स्टॉय। चलिए फिर से आपको याद करवा देते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं याद होगा तो बताना, नहीं याद होगा, देखिए द पेस फॉर लिविंग, रफ्तार, रफ्तार गति, जाने के लिए कर हट अस जाए दसन, ठीक है याद हो गया, हट अस जाए दसन गति में, पेस मतलब लग, पेस मतलब क्या होता है, जाना, जाना समझ लीजिए, हट अस जाए दसन, हट असन, हट सन, ठीक है। एकोलोजी जान, एकोलोजी जान, जान एकोलोजी, जान एकोलॉजी, जान पढ़िए उसको, गिल्लू, गिल्लू महादेव का भक्त था, गिल्लू महादेव का भक्त, महादेवी वर्मा, ठीक है। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, फिल्म में सत्य की जीत होती है, अंत में क्या होता है, सत्य की जीत होती है, सत्य जीत रहा हो जाएगा यहाँ पर, देखिए स्पीच, स्पीच से कीवर्ड से पकड़िए, स्पीच मतलब भाषण होता है। मेरा दोस्त कहता है रवि क्या बोल रहा है, यांग साई सुई कुई कह रहा है, ठीक है, तो यांग साई सुई कुई जो है इनके लेखक, अपोने टाइम, टोनी एक लड़का है कहता है कि मैं अपुन एक टाइम पर उठता है, एक टाइम पर, एक समय पर, अपुन एक टाइम पर उठता है, टोनी कहता है, ठीक है। अगर इंडियन कल्चर, हम कब इंडियन थे, हम कब इंडियन थे, आराम से याद कर सकते हैं। और लिटिल गर्ल्स छोटी लड़की क्या मांगते हैं, खिलौना, टॉय मतलब क्या होता है, खिलौना, लियो टॉल्स्टॉय, टॉय मतलब खिलौना होता है। चलिए आगे देखिए, ट्री के राइटर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कैरम गॉड मेड द कंट्री, विलियम कॉपर। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, कीवर्ड पर ध्यान दीजिएगा, कॉपर में लिखा है काउ, काउ और यहां पर कंट्री, तो देखिए कंट्री जो हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है, यानी माता है, और काउ को भी माता बोलते हैं, कंट्री मतलब भी माता हुआ, कंट्री हमारा देश है, भारत माता है, और काउ मतलब उसको भी, काउ को हम माता ही कहते हैं, गौ माता, ठीक है, तो गौ माता। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपको, ये भी माता, ये भी माता, सी भी मिल रहा है और सी भी मिल रहा है यहाँ पर, कंट्री कॉपर, ठीक है, विलियम कॉपर। चलिए आगे, ऑर्डर ऑन द सॉलिटरी, अलेक्जेंडर पोप, इनके राइटर है अलेक्जेंडर पोप। एलेक्स नाम का एक लड़का है जो सॉलिड पोपी बजाता है, अलेक्जेंडर नाम का एक लड़का है जो सॉलिड पोपी बजाता है, जैसे फोफी, फोफी समझ रहे हैं, जो मेला उला में लड़का जो है खरीदता है, फोफी बजाता है, सॉलिड बजाता है, बिल्कुल सॉलिड, उसके जैसा पोपी कोई बजाता ही नहीं है, अलेक्जेंडर नाम का लड़का है, पोपी बजाता है, बहुत बढ़िया बजाता है, सॉलिड बजाता है, सॉलिड, इसको सॉलिड पढ़ लीजिए, ठीक है। पॉलिथीन बैग, दुर्गा प्रसाद पंडा, देखिए दुर्गा मंदिर में पांडा जो थे वो प्रसाद देते थे, किस चीज़ में देते थे, पॉलीथीन में, पॉलीथीन बैग में वो प्रसाद देते थे, वहाँ पर दुर्गा मंदिर था, दुर्गा मंदिर, वहाँ पर जो पांडा थे पॉलीथीन बैग में प्रसाद देते थे, पॉलीथीन बैग में क्या देते थे, प्रसाद, पांडा जो थे दुर्गा मंदिर में प्रसाद देते थे, क्या थी में, पॉलीथीन बैग में, पॉलिथीन बैग में प्रसाद देते थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को याद हो गया, चलिए नहीं याद होगा तो इनर देन ए क्रिस केंट। तो यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, एक चीज याद रखना पड़ेगा आपको, थिनर क्रिस केंट, क्रिस केंट मतलब क्या होता है, क्रिस केंट मतलब होता है बढ़ना, क्या होता है, बढ़ना या बढ़ाना, ठीक है, बढ़ना, इसका मतलब क्या होता है, बढ़ना, आप लिख भी सकते हैं बढ़ना, बढ़ना। अब देखिए विद्यापति, अब मान लीजिए कि विद्या रहेगा तभी तो आप आगे बढ़ोगे, बिना विद्या के कोई आगे बढ़ा है, कोई
किसी ऊंचाई तक पहुंचना है, कि कोई कोई बड़ा आदमी बना है, तो बिना विद्या के तो बना नहीं है। तो विद्या रहेगा तभी बढ़ेगा। तो यहाँ पर विद्यापति इनके राइटर हो जाएंगे। एम्प्टी हार्ट, अब देखिए हार्ट, हार्ट मतलब क्या होता है, दिल। तो हार्ट में, हार्ट यानी हार्ट में, हार्ट में परेशानी है, खाली हार्ट में परेशानी है, बाकी कुछ नहीं है। एम्प्टी मतलब होता है खाली, ज्यादा कुछ परेशानी नहीं है, खाली हार्ट में परेशानी है। डॉक्टर के पास गया, कोई कहता है कि हमको खाली हार्ट में परेशानी है, एम्प्टी मतलब खाली होता है, ज्यादा परेशानी नहीं है, हमको खाली हार्ट में परेशानी है, परेशानी, परेशानी थुरन, ठीक है। तो इनके राइटर हो जाएगा परेशानी थुरन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ध्यान देते होंगे। कोयल पूरन सिंह, देखिए अब यहाँ पर कोयल जो लिखा है इसको कोयला पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, कोयला। ये कोयला पुराना है, ये कोयला पुराना है, बहुत पुराना है, ये कोयला पुराना है, यानी पूरन सिंह, कोयला के लेखक, कोयल के लेखक है पूरन सिंह। आगे देखिए, द स्लीपिंग पोर्टर, स्लीपिंग सो रही है, स्लीप मतलब सोना होता है, आई एन जी लग गया तो रहा रही लगा सकते हैं, सो रही है लक्ष्मी, ठीक है, सो रही है लक्ष्मी, लक्ष्मी सो रही है। मान लीजिए माँ कहते लक्ष्मी क्या कर रही हो, तो दूसरा कोई बताता है उसका भाई, लक्ष्मी सो रही है माँ, लक्ष्मी सो रही है। चलिए यहां से कीवर्ड से पकड़ सकते हैं, लक्ष्मी क्या कर रही है, सो रही है। मार्था, वाल्टर डेला मारे, मार्था माथा कह दीजिए, मार्था मार्था यानी माथा। ढेला मारे, ढेला मारे है इसको, ढेला मारे, ढेला मार कर माथा फोड़ दे, ढेला मार के माथा फोड़ दिया। एक लड़का ने ढेला मार के, डेला मारे, डेला ढेला मारे, ढेला मार के माथा फोड़ दिया, मार्था फोड़ दिया, क्या मार के, ढेला मार के। चलिए एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। गॉड मेड द कंट्री, कंट्री माता काऊ माता। सॉलिड, सॉलिड है, अलेक्जेंड जो है पोपी बजाता है तो सॉलिड बजाता है, खूब बढ़िया बजाता है, ठीक है, सॉलिड ठोस होता है। पॉलिथीन बैग, दुर्गा मंदिर में पांडव वहां के प्रसाद देते थे पॉलिथीन बैग में, ये याद हो गया। थिनर देन ए क्रेस्केट, क्रेस्केट मतलब बढ़ना होता है, विद्या होगा तो कोई आगे बढ़ेगा। हर्ट, एम्प्टी हर्ट मतलब खाली हर्ट, खाली, एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली, खाली हर्ट में परेशानी है, बाकी सब ठीक है डॉक्टर साहब, खाली हॉटे में परेशानी बा, बाकी सब ठीक बा राउर कृपा से, ठीक है। स्लीपिंग, लक्ष्मी है, लक्ष्मी प्रसाद पांडा, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा है, ठीक है, लक्ष्मी क्या करती है, दिन सो रही है, सो रही है, लक्ष्मी सो रही है। चलिए मार्था, ढेला मार के फोड़ दो माथा। चलिए आगे देखते हैं, तो चलिए यहाँ पर देखिए, जनवरी नाइट, पहले जनवरी नाइट पूस की रात था, और आज जो चल रहा है समय, जाड़े का दिन है और ये जनवरी नाइट ही है, ठीक है, तो बहुत ठंड लगता है, तो इसमें हल्को और मुनि वाला कहानी है। तो यहाँ पर आप ट्रिक इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि जनवरी नाइट, नाइट, नाइट मतलब क्या होता है, रात, नाइट मतलब रात। प्रेमचंद, इनके लेखक है मुंशी प्रेमचंद, तो चंद को हम चांद समझ लेते हैं, चांद, चंद से क्या हो गया, चांद। अब देखिए रात में चांद दिखाई देता है, दिन में तो दिखाई देता नहीं है, तो जब चांद को साफ देखना होगा तो कहाँ देखेंगे, रात में, रात में चांद जो है साफ दिखता है। चलिए रात से आप चांद समझ सकते हैं, प्रेमचंद। एलर्जी, अगर किसी को किसी चीज से एलर्जी है तो कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर के पास जाएगा और कुछ कहानी बिगड़ गया तो एसीपी डीसीपी सब आ जाएंगे, ठीक है। अगर एलर्जी है तो डॉक्टर के पास जाएगा और कुछ कहानी अगर दिक्कत हो गया तो कहाँ जाएंगे, एसपी के पास, एसपी डीसीपी जो है पुलिस उलिस आ जाएंगे, तो एसपी राणा एसपी सिंह हो जाएगा, ठीक है। आगे द बेट, द बेट बीट, इसको बीट पढ़ लेते हैं, इसको हम बीट समझ लेते हैं, देखिए बी ई ए टी, इसको हम बीट समझते हैं, बीट मतलब क्या होता है, मारना पीटना। तो क्या किया, चेक्को, चेक्को है, चेक्को यानी
खेतों में जैसे चेका होता है, चेका, चेका से मारा, चेका से मारा। बीट मतलब क्या होता है? मारना। बीट मतलब मारना। का से मारा है? चेका से, चेका। इसको एक ढेला भी कहते हैं, ढेला से मारा है, यानी चेका से मारा है, चेका कहिए, चेका से मारा है, बीट किया है, चेका से बीट किया है, ठीक है। तो इनके लेखक हो जाएगा एटम चेको। क्वालिटी, जॉन गोल्डस्वार्थी। अब यहां पर देखिए स्वार्थी, इसको स्वार्थी पढ़ सकते हैं, स्वार्थी, स्वार्थी, ठीक है। क्वालिटी में स्वार्थी है, जो वो स्वार्थी व्यक्ति है, जॉन, जॉन स्वार्थी व्यक्ति है, वो क्वालिटी, आपके क्वालिटी में स्वार्थी है, जो आपके जान पहचान के लोग हैं उनको अच्छा क्वालिटी देते हैं, मुझे अच्छा क्वालिटी नहीं थे, आप स्वार्थी हैं, ठीक है, आप स्वार्थी हैं, आप अच्छा चीज नहीं देते हैं, अपने आदमी को अच्छा चीज देते हैं, आपके क्वालिटी में, क्वालिटी देने में स्वार्थी है, गॉल स्वार्थी, ठीक है, याद हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि याद हो गया होगा, स्वार्थी, क्वालिटी। सन एंड मून, सन एंड मून। अब देखिए सन यानी सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चांद बढ़िया कहाँ दिखेंगे? पेड़ बगान रहेगा वहाँ दिखेंगे, जहाँ पर पूरा मैदान रहेगा, खाली रहेगा, वहाँ पर दिखेंगे। सूर्य और चांद जहाँ मैदान रहेगा वहाँ पर दिखेंगे, फील्ड, फील्ड मतलब क्या होता है? मैदान, खेत, ठीक है। तो जहाँ पर पेड़ बगान होंगे वहाँ पर दिखाई नहीं देंगे, सन हो या मून हो, वो दिन हो या रात हो, वो दिखाई नहीं देंगे, जहाँ मैदान होगा वहाँ पर, वहाँ से साफ दिखाई देंगे, सन एंड मून, ठीक है। टू होरिजन, टू होरिजन बिना पानी, मोहन। देखिए हरी, इसको हरी समझ लेते हैं, हरी, हरी किसको बोलते हैं? हरी एक तरह से विष्णु भगवान को बोलते हैं, हरी, हरी की भक्ति अच्छी लगती है। देखिए हरी से अवतार क्या लिए हैं, कौन लिए हैं? मोहन। हरी से अवतार क्या हुआ? मोहन का, मोहंती, बिना पानी मोहंती। देखिए बिना पानी ऐसे सरस्वती जी को कहते हैं, तो मोहन जो है, मोहन किनको बोलते हैं? कृष्ण जी को। और कृष्णा अवतार हुआ है हरि से, यानी विष्णु से, विष्णु से अवतार हुआ है, विष्णु जी का अवतार हुआ है कृष्ण के रूप में, ठीक है, यानी कि हरि का अवतार हुआ, हरि से अवतार हुआ मोहन का, मोहन को, कृष्ण जी को मोहन गोपाल सब बोलते हैं, ठीक है। चलिए लव डिफाइंड, लव डी फाइल्ड, गिरिधर झा। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर कृष्ण भगवान आ गए, गिरिधर किनको बोलते हैं? कृष्ण जी को। और कृष्ण जी से अच्छा तो लव के बारे में, प्यार के बारे में कोई बता ही नहीं सकता, और राधा और कृष्ण का प्यार जो है अडिग है, ठीक है। तो लव मतलब होता है प्यार, और गिरिधर यानी कि कृष्ण जी, कृष्ण जी से अगर लव के बारे में सीखना है तो कृष्ण भगवान से सीखिए किस प्रकार से लव किया जाता है। चलिए तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।